बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम द रीडर्स हाफिजाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैथमेटिक्स, क्लास 5, यूनिट 1, लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1, वो है रोमन नंबरल्स। तो नंबरल्स क्या होता है? नंबरल इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड फॉर अ नंबर। नंबरल्स कहते हैं, ये स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मज़ीद हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। द रोमन्स यूज लेटर्स सिंबल्स इंस्टेड ऑफ डिजिट्स टू राइट नंबर्स। रोमन्स जो हैं वो डिजिट को लिखने के लिए नंबर्स की बजाय स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं। उन स्पेशल सिंबल्स को हम रोमन नंबरल्स कहते हैं। वी स्टिल यूज़ रोमन नंबरल्स मोस्टली फॉर क्लॉक्स एंड डेट्स। हम आम तौर पर क्लॉक्स और डेट्स को लिखने के लिए मोस्टली हम लोग रोमन नंबरल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये क्लॉक में नज़र आ रहे हैं, ये सारे रोमन नंबरल्स कहलाते हैं। द रोमन्स यूज्ड 7 लेटर सिंबल्स टू शो नंबर्स। रोमन जो हैं वो 7 लेटर स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं नंबर्स को शो करने के लिए। हम लोग आमतौर पर डिजिट्स का मतलब होता है 1, 2, 3 या आम काउंटिंग जो है, लेकिन जो रोमन्स हैं वो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। तो वो जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो रोमन नंबरल्स कहलाते हैं। तो 7 नंबरल्स हैं, 1 को वो आई से शो करते हैं, 5 को वी, 10x, 50l, 100c, 500d, 1000m। यानी कि वो डिजिट्स को इन स्पेशल सिंबल्स के ज़रिए शो करते हैं। वो स्पेशल सिंबल्स हमारे पास हैं, रोमन नंबरल्स कहलाते हैं। देर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम के अंदर ज़ीरो के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता। द रोमन्स आल्सो यूज्ड अ स्मॉल लाइन विच इज़ प्लेस्ड ओवर अ सिंबल। रोमन्स जो हैं वो एक स्मॉल लाइन यूज़ करते हैं विच इज़ प्लेस्ड ओवर अ सिंबल, जो कि सिंबल के ऊपर वो शो करते हैं। टू डिनोट सो मैनी थाउजेंड्स, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स को शो करने के लिए रोमन्स सिंबल्स के ऊपर एक स्मॉल लाइन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे वी इज इक्वल टू 5000, तो यहाँ पे 5000 को शो करने के लिए उन्होंने वी के ऊपर लाइन शो की है। इसी तरह 10000 को शो करने के लिए एक्स के ऊपर एक स्मॉल लाइन शो की है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सो मैनी थाउजेंड्स को। मज़ीद हम रोमन नंबरल्स को पढ़ने के लिए ये टेबल स्टडी करते हैं, जिसमें 1 को आई से शो किया गया है, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स। इसी तरह 10s को जब हमने शो करना है तो उसके लिए जो रोमन नंबरल्स हैं वो 10 को एक्स से, 20 डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50L, 60LX, 70L double X, 80L triple X, 90XE। इसी तरह अगर हमने हंड्रेड्स की अमाउंट को या हंड्रेड्स के डिजिट्स को रोमन नंबर्स में लिखना है, तो इसके लिए 100 के लिए C सिंबल यूज़ किया जाता है, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 CD, 500D, 600DC, 700D डबल सी, 800D ट्रिपल सी, और 900 के लिए CN का सिंबल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रोमन्स मेड द फॉलोइंग रूल्स टू यूज द 7 सिंबल्स। अब रोमन्स हैं सिंबल्स को शो करने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, तो लेट्स स्टडी दीज रूल्स। एक अ लेटर कैन बी रिटन जस्ट फॉर 3 टाइम्स एट अ प्लेस, कि एक लेटर को हम लोग लिखने के लिए सिर्फ 3 टाइम हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। एक डिजिट को लिखने के लिए उसमें हम रोमन सिंबल जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स हम लोग यूज़ करेंगे, 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, वो रॉन्ग होगा। जैसे कि 3 को लिखने के लिए हमारे पास है ट्रिपल आई, लेकिन जब हम 4 को लिखेंगे तो हम उसके लिए 4 आई नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग होगा। इसी तरह 30 को लिखने के लिए हम सिर्फ एक्स को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 40 को लिखने के लिए हम एक्स को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, द सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। सिंबल्स वी एल एंड डी जो है वो रिपीट नहीं किए जा सकते। एग्जांपल, वी इज इक्वल टू 5,
फाइव को शो करने के लिए हम लोग वी का सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम टेन को लिखने के लिए सिंबल यूज़ करेंगे वो डबल वी नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलहदा से सिंबल है, तो ये रॉन्ग होगा। इसी तरह 50 को हम एल से शो करते हैं, लेकिन जब हम 100 को शो कर 100 के लिए सिंबल यूज़ करेंगे तो वो डबल एल शो नहीं करेंगे, वो रॉन्ग होगा। 500 के लिए डी है, लेकिन 1000 के लिए हम डबल डी यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 3, व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू सिंबल कम्स आफ्टर अ लार्जर वैल्यू सिंबल, जब एक स्मॉलर वैल्यू सिंबल लार्जर वैल्यू सिंबल के बाद आए, यानी कि लार्जर वैल्यू सिंबल पहले आए और स्मॉलर वैल्यू सिंबल बाद में आए, देन ऐड द टू वैल्यूज़, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 5 + 1 = 6, तो 5 जो है वो लार्जर वैल्यू और 1 जो है वो स्मॉलर वैल्यू सिंबल है, तो इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे और वो 6 के लिए जो सिंबल वो यूज़ होगा। इसी तरह 10 ग्रेटर वैल्यू है और 5 स्मॉलर वैल्यू है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 15, तो वो 15 के लिए एक्स वी सिंबल यूज़ होगा। नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू सिंबल कम्स बिफोर अ लार्जर वैल्यू सिंबल, जब एक स्मॉलर वैल्यू सिंबल पहले आ जाए और लार्जर वैल्यू सिंबल बाद में आए, द स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू सिंबल, तो स्मॉलर वैल्यू सिंबल को लार्जर वैल्यू सिंबल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 5 - 1 = 4, 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और 1 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, तो स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो वो 4 का हमारे पास सिंबल आ जाएगा। इसी तरह XL = 50 - 10 = 40, तो 40 के लिए हम XL सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि X जो है वो 10 को शो करता है और L जो है वो 50 को शो करता है, तो स्मॉलर वैल्यू हमारे पास पहले और ग्रेटर वैल्यू सिंबल जो है वो बाद में है, X 10 है और L जो है वो 50 को शो करता है, इसलिए हम उन दोनों को माइनस कर देंगे, 40 का सिंबल ये शो होगा हमारे पास। इसी तरह X 10 को शो करता है और C जो है वो 100 को शो करता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देंगे, 100 - 10 = 90, तो 90 को हम X C से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह C जो है वो 100 को शो करता है और M जो है 1000 को शो करता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, 900 आया और 900 का सिंबल जो है वो हम CM यूज़ करेंगे। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी एल एंड डी इनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी लार्जर वैल्यू में से। नंबर 5, डोंट राइट एनी वन सिंबल फॉर मोर देन वन टाइम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू सिंबल है तो उसके लेफ्ट साइड पे हम किसी भी सिंबल को एक से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते। 30 इज रिटन एज ट्रिपल एक्स नॉट एज एक्स एक्स एल, आई और वी इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ एल और सी, आई और वी को हम एल और सी के लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते, एल इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सी और ना ही एल को हम सी के लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और उनकी वैल्यूज दी गई हैं, एल वी इज इक्वल टू 55, एक्स एल वी इज इक्वल टू 45, एक्स एल आई एक्स इज इक्वल टू 49, एक्स सी वी आई इज इक्वल टू 96, सी एल डबल एक्स आई एक्स इज इक्वल टू 179, एम सी एल वी डबल आई इज इक्वल टू 1157, डबल एम सी एम एक्स एल वी डबल आई इज इक्वल टू 2947, एक्स सी आई एक्स इज इक्वल टू 99, डबल सी आई इज इक्वल टू 201। When we use small letters to write Roman numerals, we write them within small brackets. जब हम किसी small letter को Roman numerals में लिखते हैं तो उन symbols को लिखने के लिए हम लोग small bracket use करते हैं। Homework, write Roman counting 1 to 100. Homework में क्या है? Roman counting आप लोग लिखेंगे 1 to 100 अपनी notebooks पे. Thank you.